हेलो एवरीवन, आई एम तृप्ति। वेलकम टू एमपीएससी। एंड बच्चा, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा था, एंड आज का वीडियो लेक्चर आपका बेस्ड होगा इंटीग्रेशन पे। ओके, दिस इज़ द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा कर दें आप तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन में हमने ये सीखा था कि अगर आप किसी भी ग्राफ की स्लोप ले लें, ठीक है, स्लोप या टेन थीटा फाइंड कर लें, तो आपको उस ग्राफ का डिफरेंशिएशन मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है dx by dt। ठीक है, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आप अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y का डिफरेंशिएशन, सो dy by dx। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर हो जाए, आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? सो सिंपली आपके पास ये टू ग्राफ्स हैं। ठीक है, दिस इज़ एक्स वर्सेस वाई, ओके, एंड अगेन दिस इज़ एक्स वर्सेस वाई ग्राफ, ओके। यहाँ हमने इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लिया, एंड हियर इज द दे। ठीक है, इस कंडीशन में आपको निकालना है एरिया ऑफ दिस रीजन विथ एक्स। ठीक है, मींस एरिया ऑफ दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इस पर्टिकुलर पोर्शन का आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एंड इस कंडीशन में भी आपको वही करना है। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। तो हमें इसे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो इन दोनों ही केस में आप क्या देखेंगे, यहाँ आपको ट्रायंगल मिल रहा है और यहाँ आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। ओके, सो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो आपका ये फर्स्ट वाले ग्राफ का एरिया आ गया। ठीक है, सेकेंड के लिए बात करें, सेकेंड में रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, ये आपका ये लेंथ हो गया, एल कंसिडर कर लें, और ये ब्रेथ हो गया, तो इसे पी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, एल इंटू बी। तो ये इस तरह के सिंपल से ग्राफ को आप इजीली फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, दिस टाइप ऑफ ग्राफ। बट आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ प्लॉट हो, ठीक है, ये भी x वर्सेस y का है, एंड आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ हो, आपको इस ग्राफ का पूरा जो एरिया, कंप्लीट एरिया कवर है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि अब तो हमारे पास न तो ट्रायंगल है और न ही रेक्टेंगल है, देन हम इस ग्राफ का एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो इस कंडीशन में इंटीग्रेशन आपका यूज होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इन्हें स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया, ये हमने एक स्ट्रिप लिया। ठीक है, ये एक स्ट्रिप लिया, अब ये स्ट्रिप किस तरह का शेप करता है, यस रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, यहाँ ये लेंथ हो गई रेक्टेंगल की, एंड ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप है हमने ये फर्स्ट वाला स्ट्रिप ले लिया। ठीक है, ये स्ट्रिप का ब्रेथ है। ठीक है, एट ब्रेथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो हमने एक्स के एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो ब्रेथ की डिस्टेंस है वो हमने डी एक्स फाइंड कर ली, डी एक्स सपोज कर ली। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस है यहाँ पर, एंड ये जो लेंथ है ये हम y 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से y 1 डिस्टेंस पर है, तो हम y 1 कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस को, लेंथ को। ठीक है, तो यहाँ एरिया ऑफ स्ट्रिप
एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स वाई वन इंटू डी एक्स। ओके अगेन आप सेकेंड स्ट्रिप यहाँ से कट कर लें। ओके ये आपने नेक्स्ट स्ट्रिप कट कर लिया, ठीक है, ये वाई वन का जो डिस्टेंस है ये कुछ और होगा, ये सपोज वाई टू कंसिडर कर लेते हैं और ये तो आपका सेम ही है डी एक्स, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए। सो नेक्स्ट एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रिप के लिए एरिया क्या हो जाएगा, वाई टू इंटू डी एक्स। इसी तरह से इस पूरे एरिया को आपने स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स में कट कर लिया, ठीक है, और उन स्ट्रिप्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब टोटल क्लोज्ड एरिया क्या होगा, तो सभी एरियाज को, सभी स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के एरिया को आपको ऐड करना होगा, तभी आपको टोटल इस पूरे ग्राफ का एरिया फाइंड आउट होगा। ओके सो यहाँ पर टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, सभी को आपको ऐड करना है, मीन्स वाई वन डी एक्स प्लस वाई टू डी एक्स प्लस वाई थ्री डी एक्स अप टू एन, ठीक है, वाई एन डी एक्स। ओके नाउ अगर टोटल ऐड करना है तो आप क्या करते हैं, समेशन यूज करते हैं, ठीक है, मेनली समेशन यूज करते हैं आप, यहाँ वाई एन एन डी एक्स कर दें क्योंकि वाई वेरिएबल है, वाई वन वाई टू वाई थ्री है, तो वाई एन कर दें, ठीक है। एन कहाँ से, वन से स्टार्ट हुआ, एन वन से स्टार्ट हुआ एंड लास्ट में एन है, सो वन टू एन कर दिया, तो ये समेशन आपको टोटल एरिया की वैल्यू देगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि समेशन के थ्रू आप स्ट्रिप्स के जो रेक्टेंगुलर शेप है उन्हीं का एरिया फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, मीन्स ये जो आपका जो रेक्टेंगुलर शेप है स्ट्रिप का वही एरिया आप यहाँ समेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि ये वाला जो स्मॉल पार्ट है इस पार्ट का एरिया आप नहीं फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट का एरिया इसमें आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ओनली ये जो आप रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है आपको, बस ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसी को आप ले रहे हैं, बट ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ है। इस तरह से अगर आप देखें इसे मैग्नीफाई करके, तो ये आपने रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया है ये तो फाइंड आउट कर लिया, बट इस एरिया का क्या, ठीक है। सो एक्चुअल में ये पूरा जो इनक्लोज्ड ग्राफ है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए और समेशन में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, अगर आप इसे एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ले लें एंड एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ एक्स एन ले लें, सो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन तक, जहाँ पर भी आपको लिमिट लगानी है, जहाँ पर भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है वो लिमिट ले लिया आपने एंड वाई डी एक्स कर लिया। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो इसी स्टेप से होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन सिंपली आपको ऐड करना है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को, बट इस तरह से। ओके सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वी कैन सी द इम्पॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ओके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ओके सो फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू द डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। हमने डिफ्रेंशिएशन में क्या पढ़ा था, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन में ये होगा कि इस तरह से आपको पहले तो साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन यूज करना है एंड एक्स की पावर एन डी एक्स, ये होगा पावर, यहाँ माइनस होता है बट यहाँ क्या हो जाएगा, एड होगा, ठीक है। यहाँ आपका x की पावर n प्लस वन होगा एंड डिवाइडेड बाई n प्लस वन एंड प्लस यहाँ c होगा, c इज द कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये क्या है,
अगर आप कोई भी टर्म या कोई भी टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और लिमिट नहीं हो तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब यहाँ लिमिट हमने नहीं लगाया है मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में आपको प्लस सी करना होता है, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऐड करना होता है, ओके, आपके रिजल्ट में। चलिए सेकंड सेकंड फॉर्मूला है आपका डी बाई डी एक्स, ओके, यहाँ आप ई एक्स ले लें तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपने ई पावर एक्स लिया था, बट इंटीग्रेशन क्या होगा, सो ई पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन भी वही होगा सेम, क्योंकि सिमिलर प्रोसेस है और जस्ट ऑपोजिट है, ऑपोजिट में ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ओके। नाउ डी बाय डी एक्स हमने सीखा था लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन बाय एक्स, ओके, बट यहाँ इंटीग्रेशन के प्रोसेस में क्या होगा, वन बाय एक्स डी एक्स लॉग एक्स, ओके, प्लस सी। नेक्स्ट डी बाय डी एक्स ई टू द पावर, अगर कुछ कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, जैसे हमने ए पावर एक्स कर दिया, ओके, तो ये क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन में होता था a इंटू ई टू द पावर ए एक्स, बट इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा, ओके, ये आपका ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स और ई टू द पावर ए एक्स और जो भी कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ d बाई डी एक्स हमने सीखा था साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, ओके, जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एंड प्लस सी लगाना नहीं भूलना है आपको, ओके। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपने, सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या देखा था आपने, माइनस साइन एक्स, ओके, सो इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ओके, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, देन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, ओके, एंड प्लस सी। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, ओके, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक, सॉरी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके, एंड माइनस या फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक, सॉरी कॉसेक एक्स, एंड प्लस सी, ओके। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स क्या ले लें, सेक एक्स ले लें, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, एंड सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्लियर। नाउ डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ले लें, कॉट एक्स, ओके, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ओके। तो इस तरह के ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको इंटीग्रेशन में लर्न करना है, और जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे न्यू फार्मूले भी आपको इंट्रोड्यूस होंगे, बट ये बेसिक फार्मूलेज हैं, ये आपको लर्न करने हैं 100%, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, एंड यस टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच गाइज़।